सरदार अमर सिंह सियाल जी अज जी आके चंडीगढ़ के तुहाडे वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है जिदे जथेदार जगतार सिंह हवारज के धर्मी पिता भी पहुँचे हुए हैं गुरचरण सिंह जी। सो की अज सारा मसला सी की अज गलबात की गई सारी मसला ये कि जिहड़ा जजमेंट हाई कोर्ट ने दिता ना जी जिदे कोटकपूरा के जिहड़ी तफ्तीश हुई सी चलान दिते गए से उन्होंने गलत करार दिता गया उदे बारे एक असी नुमाइंदगी तौर पर एक रीप्रजेंटेशन चाहे एक चिट्ठी लिख रहे हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नू भी वो जिहड़ा है गलत होया फैसला करन दे जिहड़े ने उहदे कारण लभणे चाहीदे भी ये गलत फैसला क्यों होया उहदे कारण असीं ये दसे ने भी जिस तरह बादलां दा है बादलां नू उहदे विच फैसले दे विच हालांकि वह पार्टी नहीं सी उन्हां दा कोई इहदे च सरोकार नहीं सी उन्हां नू बगैर किसी कारण तो पहले ही क्लीन चिट दिती भी ये क्राइम नहीं कर सकते इहदा मतलब आने वाली जिहड़ी इनवैसटीगेशन होएगी उहदे ते प्रभाव पएगा भी इहनां नू तो पहले अदालत ने बरी कर दिता इन्हां दे खिलाफ़ इनवैसटीगेशन नहीं हो सकती इस करके ये फैसला नहीं सी होना चाहिए। बाकी भी असी पॉइंट दर पॉइंट जिस तरह है भी एस एच ओ नू अपरूवल बना लिया गया वैदे माकबा उन्हों तंग किया गया ये गल्लां गलत सी धरनाकारी वो बिल्कुल अमनमान सी इस करके उन्होंने खिलाफ़ केस जिहड़ा सी गलत रजिस्टर किया गया तो जिहड़ा असली सी वो रजिस्टर नहीं किया गया हुण असली रजिस्टर करके इनवैसटीगेशन करके रिपोर्ट दे दिती गई उन्हों रिपोर्ट नू गलत कराने का कोई मतलब नहीं सी इस करके उस फैसले के खिलाफ जज के खिलाफ इनकुआरी होनी चाहिए उसकी इतों ट्रांसफर होनी चाहिए है तो यह लभना चाहिए भी ये फैसला गलत क्यों होगा तो अज जी चिट्ठी पत्र लिखे ने किनू किनू लिखे ने जो भेजने ये लिखिया जी पहले नंबर पर आप प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जी नंबर दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा नंबर तीन पर चीफ जस्टिस इन्हों कापियां सारियां भेजा ठीक है जी। तो होर इस अलावा जोड़ा कि हूँ एक नवी गल सामने आई है जोड़ा कि डेरा सिरसा दे मुखी को पैरोल मिली 48 घंटे की वो किन्ना क जाने के उन्होंने सरकार को फायदा हो रहा है तो किन्ना को सिख कौम का नुकसान कर रही है। देखो जिहड़ी भी सिख पंथ के खिलाफ भावें डेरेदार ने चाहे होर ने उस सरकार के पिट्ठू होंदे ने सरकार दे नाल चलते ने सरकार उन्होंने पिछ अगे लियांदी ने ते तां के सिख जिहड़े ने सिखां नू इंसाफ ना मिले पहले भी नहीं मिलता हुण भी नहीं मिलता ये जिहड़ी उन्हों छुट्टी दे देनी आ ये बिल्कुल गलत है ये राजनीतिक प्रेरक है आने वाली इलैक्शन का लाहा लैण लई जिहड़ी ये बीजेपी सरकार जिहड़ा ये सारी गल कर रही है जदों बाकी सारे सिख पंथ के इन्ने वड्डे जिहड़े सज्जन ने 25-25 26-26 27-27 साल तो अंदर ने उन्हां नू ना पैरोल ना उन्हां नू होर कोई उन्हां दी जेल जिहड़ी आ सज़ा किन्नी देर तो खत्म हो चुकी है फिर भी नहीं छड़ रहे नहीं छड़ रहे क्यों नहीं छड़ रहे भी सिखां दे खिलाफ इंसाफ जिहड़ा है वो दूर का भी वास्ता सिखां नू नहीं मिल रहा जिहड़े सिखां दे खिलाफ़ ने उन्हां नू इंसाफ की उन्हां नू बेइंसाफी भी वो करन ते तां भी इंसाफ दित्ते जांदे ने। ठीक है वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह। गुरचरण सिंह जी तुसीं लंबे समय तो जिहड़ा कि सिख संघर्ष दे विच अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हो तो ये तुहानू जिहड़ा कि भाई जगतार सिंह हवाराज दे धर्मी पिता होने का खिताब भी मिलिया है तो जिहड़ी अज तुसीं शिकायत की है देश के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री अते चीफ जस्टिस नूं जिहड़ी शिकायत लिखी है की उस शिकायत दे विच लिखी है तो ये शिकायत तुहानू क्यों लिखनी पई है। 2015 जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बेअबदी करी है उन्हां डेरा सौदा साध वालिआं ने करी है उस दा इंसाफ लैण लई उस कीती होई बेअबदी दे खिलाफ जिहड़ा शांतमई तरीके नाल संगतां धरना दे रहीआं सी क्योंकि उस टाइम अकाली दल की सरकार सी वो इंसाफ नहीं दे रही सी दोषियों के खिलाफ़ बनती कार्रवाई नहीं कर रही जदों के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जवाहर के पिंड तो चोरी करके भी संगतान चैलेंज करया सिख कौम नू चैलेंज करया भी तुहाडा गुरु असी चोरी करके चोरी किया तो उहदे अंग गलियां च खिलारे गए इन्नी बेअबदी करी है जदों सरकार ने उन्हां दे खिलाफ़ बनती कार्रवाई नहीं की तां संगतां रोस वजों कोटकपूरे च धरना दे रहीआं सी उल्टा उस धरने नू खदेड़न वास्ते खत्म कराउण वास्ते सरकार ने आर्डर दे के मुख्यमंत्री दे आर्डर नाल गृहमंत्री दे आर्डर नाल उन्हां ते तशद्दुद करिया गया संगतां दे कुटमार की गई उस ते खिलाफ़ जिहड़ी कोई एक तां मौका दा जिहड़ा एस एच ओ सी
उन्हें एक एफ आई आर दर्ज करके फर्जी है जिस दोषी उन्होंने संगतान जी शातमय तरीके धरना दे रही थी उन्होंने खिलाफ़ ही वो दर्ज की सी उस तो बाद दबाव पैन करके इन्हों उस कार्रवाई होने उत्थे एक एफ आई आर दर्ज हुई सी जिदी इनकुआरी कंवर विजय प्रताप सिंह ने करी जी सैट बनाई गई सी उस तो पहला भी कई कमीशन बने जोरा सिंह कमीशन बनया रणजीत सिंह बनया पर जो विजय कंवर प्रताप सिंह ने इनकुआरी करके सारी वो रिपोर्ट तैयार करके उस कांड की हाई कोर्ट पेश की वो पहले दिन हाई कोर्ट ने बिना पक्ष सुने तो ही एक दबा थले पैसे दे लालच चा के उस जिहड़ी रिपोर्ट सी उहनूं रद्द कर दिता उहदे जिहड़ा खिलाफ़ है संगतां दा रोस है उहदे खिलाफ़ जिहड़ा एक हाई कोर्ट ने कार्रवाई की है अज असी देश दे राष्ट्रपति नूं प्रधानमंत्री नूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नूं चिट्ठी लिख के इहदे बारे असी बेनती की है भी उस ते कार्रवाई होनी चाहिए है जिहड़ी पुरानी सिट है उस ते ही कार्रवाई जिहड़ी बनदी कार्रवाई है दोषियों के खिलाफ वो होनी चाहिए है असी उहनूं लैके अज चिट्ठियां लिखियां की है जिहड़ियां चिट्ठियां असी राष्ट्रपति नूं प्रधानमंत्री नूं जां असी चीफ जस्टिस नूं लिखियां ने की उहनां दा कोई असर होएगा देखो असर ना होए एक बशर्म बंदा देखो इत्थे हिंदुस्तान च मैं कहना इंसाफ दी कोई चीज़ ही नहीं रही जिस तरह किसानी संघर्ष है तकरीबन 7 महीने हो गए 400 जाना भी वो इंच चली गई सरकार ते कोई असर नहीं हो रहा साडा जिहड़ा फर्ज है ना वो जुल्म दे खिलाफ़ आवाज़ उठाउणा जहेदार जगतार सिंह जहवारा दा यही हुक्म है भी जदों भी किसी नाल भी कोई धक्काशाही होंदी है कोई कानून के खिलाफ़ कार्रवाई होंदी है वो खिलाफ़ आवाज़ उठाउणी साडा फर्ज है अज भी असीं जिहड़ी चिट्ठियां लिखियां उहदे तहत वो उहनां दी मर्जी है कि वह अपनी जिम्मेवारी तो भज्जण सरकारां जे तां बणदा तां इह भी उस ते कार्रवाई होए साडी जिहड़ी है चिट्ठी लिखी है उस ते कार्रवाई हो के उस ते अमल करके उस ते कार्रवाई होए। अच्छा इस दे नाल जिवें कि तुसीं शिकायत कीती है कि चलो ये देखा जाएगा कि अगे की प्रोसैस हुंदा की साडे सामने न्याय प्रणाली करदी है इस दे नाल दूजे पासे गल ये भी है कि पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे कतलकांड मामले दे विच बुड़ैल जेल च नज़रबंद भाई गुरमीत सिंह भाई शमशेर सिंह ते भाई लखविंदर सिंह ते भाई जगतार सिंह तारा ते होर भी मौजूद ने पर इस टाइम जिहड़ी गल ये भी सामने आई है कि बीते दिन जिहड़ा कि भाई गुरमीत सिंह ते भाई शमशेर सिंह करोना दे नाल पीड़ित होए ने सो उहदे वल्लों जिहड़ा कि एडवोकेट अमर सिंह चहल वल्लों एक चिट्ठी पत्र भी लिखा गया सी प्रशासन नूं ते तुसी भी उन्हां दे नज़दीकी हो तो किस तरह का हाल है तो की उन्हां नूं छुट्टी मिली है तो अगे जिहड़ी है कि उन्हां दी सेहत जाबी लई की कुछ किया जा रहा। देखो जिहड़ा ये करोना चल रहा दौर इहदे च सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया भी जेडे ऑलरेडी परोल ते आ रहे हैं उन्हां नूं 90-90 दिन की परोल दे के उन्हां दे घरे भेजा जाए पर सिखां नाल इन्ना वितकरा हो रहा भावें इन्हां दी आपां बड़ैल जेल वालिआं दी करिए गल भी इन्हां नूं परोलां नहीं दित्ती जा रही जदों के भाई शमशेर सिंह भाई गुरमीत सिंह भाई लखविंदर सिंह ये लगातार 2012 तो परोल ते आ रहे हैं पूरे अपने उस नाल छुट्टी कट के वापस जाने हैं कोई अज तक एक घंटा भी कदे लेट नहीं होए पर इन्हां नूं नहीं परोल ते भेजा जा रहा एक पासे उस तरह के देखो हुण उस साध नूं जिहड़ा दोषी है दो उम्र उम्र कैद हो चुकिया दो सजावां हो चुकिया बलात्कार दे केस कतलां दे केस च पर उहनूं बिना दसे ही बिना किसी कोर्ट दे आर्डर तो उहनूं 48 घंटे की परोल दे के उहदी माँ नूं मिलण भेजता। मैं पिछले समय की गल करां परमजीत भ्योरा दी माता बहुत बीमार सी बैड ते पई सी हाई कोर्ट ने भी उत्थे जाके अप्रोच करी हाई कोर्ट ने आर्डर भी किया पर प्रशासन ने सरकार ने उन्हूं मिलन दी उहदे घरे जाण दी कोई परमिशन नहीं दित्ती घंटे की भी पर एक पासे एक वो सौदा साध है बिना किसी उस तो उन्हूं जाके परोल ते सानू मैं तो कहना भी ये सिखां नूं एक गुलामी का एहसास कराने के बराबर है।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ, ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਗੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, 7-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਕੇਸ ਜਹਿਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ ਸੀ, 31-32 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।